कर लेता हूँ। ओके फाइन, सब लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के स्टॉक मार्केट के हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। मतलब समझो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और पूरे एडवांस तक ले जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये एक क्लास में कम्प्लीट नहीं हो सकता है, इसमें कम से कम 2 हफ्ता लगेगा, एटलीस्ट 2 वीक तो लगेगा ही, जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आज आपने क्लास अटेंड कर लिया देन आपने कल कराई नहीं परसों कराई नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे आपका टाइम देने का। अगर आप यहाँ पे आए हो तो पूरा क्लास देखना, और जितने भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ अगर 2 वीक तक ले रहा हूँ तो 2 वीक तक पूरे लेक्चर को अटेंड करना डेली, 1 घंटा टाइम निकाल कर, तभी आप कोई चीज भी सीख पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ। अगर बीच में आपने स्टार्ट किया फिर बीच में 1-2 लेक्चर अगर छूट जाएगा तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा, देन आपको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये पहला लेक्चर है, इससे पहले मैंने 1 बैच कंप्लीट कर चुका हूँ जिसमें मैं सारा टॉपिक को क्लियर किया हूँ। वापस से बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोग नए नए हैं, आप लोग फिर से सीखना चाहते हैं, कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से इसको रीस्टार्ट किया हूँ। मतलब पूरे बेसिक से लेकर फिर एडवांस तक सिखाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लेक्चर होंगे सबको अटेंड करना है, और उसके बाद अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, सीखना है समझना है और उसको फॉलो करना है प्रैक्टिस करना है, देन आप लोगों को और भी चीज जितने भी है सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर देना हूं और बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। हाँ सब कुछ दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को। ओके तो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो सेशन है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो बीच में इंटरप्ट करके। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, कोई हर एक चीज पूछोगे। जितना आप ज्यादा डाउट अपना क्लियर करोगे उतना ज्यादा आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अगर आप चुपचाप रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, फिर कोई फायदा नहीं होगा लेक्चर लेने का। मेन मोटिव मेरा यही है कि आप लोग अपना डाउट पूछो और मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊं और आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जितने भी टाइम लगे, 2 हफ्ता लगे 3 हफ्ता लगे टाइम लगेगा, बट आप लोग अच्छे से सीख जाओगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बट यही है कि आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, कोई भी डाउट वगैरह है तो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ट्रेडिंग जो भी चीज करोगे, ट्रेडिंग करोगे या फिर आप इन्वेस्टिंग करो, उसमें टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होता है, उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट कैसे पहचाने, कोई भी ब्रेकडाउन वो परफेक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि 80% जो आप ट्रेड लोगे वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लोगे, तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमारा आएगा कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स को कैसे पहचाने, कैंडल्स पे कैसे ट्रेड लें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा चार्ट पैटर्न। तो ये हम लोग आपको इतना चीज दिखा दिया, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न। इसके बाद भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड क्लास में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग डेली क्लियर करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद एक हमारा और टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग। वो हार्मोनिक ट्रेडिंग थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब आप ये सारा चीज सीख जाओगे देन आप उसको आसानी से सीख सकते हो, तो वो चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट अभी जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 लाइन मैंने लिखा है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्राइस कहाँ होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ये हमारे किस कैटेगरी में आता है, टेक्निकल एनालिसिस।
उसके बाद हमारा होता है ट्रेंड ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइड वे ट्रेंड होता है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पे हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे पहला लाइन है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, अब इसका क्या मतलब होता है मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ पे ले जाऊंगा और अच्छे से ग्राफ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब आप जैसा कि देख सकते हो चार्ट पूरा हो गया खाली। अब पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। यहीं पे समझाता हूँ। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो प्राइस एक बार यहाँ पे गया और यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया देन इसी जगह से नीचे क्यों आया, प्राइस यहाँ से थोड़ा और ऊपर क्यों नहीं गया या फिर यहाँ से नीचे की तरफ क्यों नहीं आया। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए, प्राइस इस जगह से नीचे क्यों आया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि प्राइस यहाँ से इसलिए नीचे की तरफ आया क्योंकि यहाँ पे सेलर लोग बैठे हुए हैं। सेलर क्या करते हैं, सेल करते हैं, और जब सेलिंग स्टार्ट होता है देन मार्केट नीचे की तरफ आता है। इट मींस यहाँ पे कौन लोग है, सेलर लोग है, और जहां पे सेलर होंगे उस वहां पे उस जो जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं वो रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि छत है हमारा, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और जो हमारा नीचे फर्श है मतलब जो जमीन है उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग उस पर खड़े होते तो वहां पे हम लोग सपोर्ट लेके खड़े होते, तो वो हमारा क्या होगा, सपोर्ट। और हमारे सर के ऊपर जो छत दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा, कोई भी चीज उस पर टकराएगा, तब आप नीचे से बॉल लेना, बॉल को ऊपर टकराना, वो छत से टकराकर वापस नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। वैसे ही प्राइस अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इसका छत है और यहाँ से टकराकर वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है। अभी इसके तरफ क्या हो रहा है आपको भूल जाना है, इसके तरफ का आपको कुछ नहीं देखना, ऐसा समझो कि ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। अब बस यहां तक समझो, इसके आगे कोई ग्राफ नहीं है। अब यहां से प्राइस एक बार नीचे की तरफ आ गया तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पे सेलर लोग बैठे होते हैं और वो सेल करते हैं देन मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट प्राइस। अब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया और यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब ये वापस से मार्केट इसी लाइन के पास आया, मतलब अब ये जो हमारा पास्ट में एक स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेडनेसडे 11 तारीख को 10:25, आप नीचे देख सकते हो लिख रहा है वेडनेसडे है 11 जन 2023 10:25 पे मार्केट इस जगह पे गया और नीचे की तरफ आया और वापस से मार्केट इसी लाइन के पास गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, पास्ट के प्राइस को देखेंगे। अब जब आप पास्ट के प्राइस को देखोगे, अब तो जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये चीज हमारे लिए पास्ट हो जाएगा और ये चीज हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट प्राइस में जब इस लाइन के पास मार्केट गया था तो देन नीचे की तरफ आया था। तो हम लोग अभी भी इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं कि जब प्राइस वापस से इसके पास आएगा ना देन मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले एक बार जब यहाँ पे आया था तो नीचे की तरफ आया, वही चीज रिपीट होगा। इसमें क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ से नीचे आया देन वापस से आएगा, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये वापस से नीचे की तरफ आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ आया, ठीक है, फिर वापस से मार्केट इस लाइन के पास गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से हम लोग क्या कर देखेंगे, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब पास्ट के प्राइस को देखोगे तो इस लाइन को टच करके मार्केट नीचे आया, तो इन हम लोग फिर कंसीडर ये कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि जब पास्ट में ये चीज हुआ तो अभी भी हो सकता है, वही चीज यहाँ पे रिपीट होता है, वहीं पे मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर वापस से मार्केट इस लाइन के पास गया, देन देखोगे तो फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं जब प्राइस वापस से इसके पास जाएगा तो वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आप बोल सकते हो कि प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ क्यों गया, यहीं से ऊपर की तरफ क्यों गया, यहीं से ऊपर की तरफ क्यों गया। जैसे कि ये हमारा छत है तो इसके लिए ये इसका क्या है, जमीन है, मतलब फर्श है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस यहाँ पे गया, वापस से नीचे की तरफ आया। अब यहाँ से प्राइस क्या हुआ, इस लाइन को टच किया और ऊपर की तरफ गया। इसका मतलब क्या, ये इसका सपोर्ट है। अब हम लोग ये पास्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है, ऐसा कंसिडर करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इससे पहले जब प्राइस 11:15 पे वेडनेसडे 11 जन को इस जगह पे आया था तो ऊपर की तरफ गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वापस से जब इसके पास आएगा देन प्राइस यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ गया, इसके बाद फिर वापस गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे,
पास्ट के प्राइस को देखेंगे। पास्ट के प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जब अभी आएगा तो फिर इसके यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब ये ब्रेकडाउन क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, बट ये चीज क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ आप लोग एक बार बता दो। सब लोगों को ये चीज क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छे से क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेशन बस इसीलिए हो रहा है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो पाए। तो अगर कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो पूछना जरूर, ठीक है? अगर नहीं पूछोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ये सेशन लेने का। ओके, समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो अब यहाँ पे आपका एक और चीज क्लियर हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट के प्राइस को देखकर हम लोग प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, ये हम लोगों को आगे काम आएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अब मार्केट में ट्रेंड तीन तरीके का होता है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ देन आप लोगों को ट्रेंड सिखाता हूँ। मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस कभी भी इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर कभी भी प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन कभी मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट एक पैटर्न बना के ऊपर जाता है या फिर पैटर्न बना के नीचे की तरफ आता है। कैसे? अब यहाँ पे देखोगे प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा देन नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा देन वापस से नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो प्राइस का स्ट्रक्चर है ये अप ट्रेंड में है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है? हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है? इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, आप एक हाई को देखो। ये हमारा एक हाई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये एक हाई बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हाई बनाया, देन वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। क्या हुआ? प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया। कैसे? आप देखो, ये इसका हाई था, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ इसको इस जगह पे ब्रेक कर दिया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर गया देन वापस से नीचे की तरफ आया। और फिर जो ये ऊपर गया तो इसका जो नया, ये पहला हाई था, नीचे आया फिर ऊपर गया, ये अपना दूसरा हाई बनाया और यहाँ पे ये अपने दूसरे हाई को ब्रेक कर दिया इस जगह पे और इसके ऊपर चला गया। जब ये दूसरा हाई ब्रेक होता है इट मींस कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब होता है कि प्राइस अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारे अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तीन तरीके का ट्रेंड होता है, पहला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता हुआ चला जाएगा। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर वापस से नीचे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्केट ने लो लगाया, लो लगा के फिर ऊपर गया। अभी जो ये नीचे आ रहा ना, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ चला जाए, इट मीन्स कि मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में। इसके बाद ये पहला लो था, ऊपर गया, नीचे, ये अपना दूसरा लो बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने दूसरे लो को भी इस जगह पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, जब ये अपने कंटिन्यूअसली प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, इट मींस कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो दो ट्रेंड हम लोगों को पता चल गया, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। तीसरा जो हमारा ट्रेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्राइस क्या होगा, एक रेंज के अंदर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक सपोर्ट है। प्राइस क्या होगा कि ऊपर जाएगा, इस लाइन को टच करके नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो अपने ये प्रीवियस हाई को, जैसे कि ये अपना हाई बनाया था, इसको ब्रेक ना करके इसी जगह से वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रीवियस लो को ब्रेक भी नहीं करेगा, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। और ये कंटिन्यूअसली जितना ज्यादा देर तक ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा देर तक मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। मतलब एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंस गया, इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है, इट मींस कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, इट मींस मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे ना प्रीवियस हाई को ब्रेक करना, ना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज। तीन तरीके का ट्रेंड, ये पहला अप ट्रेंड है, दूसरा डाउन ट्रेंड है, तीसरा साइडवेज ट्रेंड है। मतलब मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होगा, तीन तरीके का, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और
साइडवे ट्रेंड, इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं होता है। आई होप आपको ये तीनों चीज क्लियर हो गया होगा। सब लोगों को समझ में आया? सब लोगों को ये चीज समझ में आया? हाँ सर, हाँ ओके, हाँ समझ। यस सर, जो लोग अनम्यूट नहीं कर सकते खुद को, वो लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया। आ गया समझ में। ओके यस, आप अपने आप को म्यूट कर लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो म्यूट करके रखना खुद को। ऑल क्लियर? ओके परफेक्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखा? दो चीज सीखा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्राइस को प्रिडिक्ट करना। मार्केट में ट्रेंड तीन तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। इसके बाद होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है आप लोगों को अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बता देता हूँ। ऑलरेडी मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा चुका हूँ, बट फिर से रिपीट करता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस या फिर फ्यूचर प्राइस कॉन्सेप्ट को समझा था। ये हमारा पास्ट था, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब वापस से मार्केट इसके पास आएगा देन वापस से नीचे की तरफ आएगा, वही चीज यहाँ पे हुआ। फिर वापस से जब इस लाइन के पास आया देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन के पास आया देन नीचे आया। तो ये जो हमारा ऊपर वाला लाइन है ना, इसको हम लोग सिंपल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। और नीचे जो है इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स क्या होता है, जहां से प्राइस सपोर्ट लेके जाता है, इसको मैं ऐसे कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे समझ में आएगा? जो हमारा ऊपर होगा वो एकदम सिंपल है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप एक तरीके से छत से समझ सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप नीचे खड़े हो जमीन पे और कोई भी बॉल को अगर ऊपर टकराओगे तो वो रेजिस्टेंस से टच करके नीचे की तरफ आएगा, इट मीन्स कि वो हमारा अभी रेजिस्टेंस है। और कोई भी बॉल को अगर आप जमीन पे पटकोगे तो वो नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछलेगा, इट मीन्स कि ये जो नीचे होगा ये हमारा सपोर्ट होगा और जो ऊपर होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब जैसे ही ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। कैसे? अगर आप छत के नीचे हो और नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को उछालोगे तो वो ऊपर टकरा कर नीचे आएगा तो वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब आप छत के ऊपर जाकर उसके बाद छत के ऊपर बॉल को उछालोगे तो वो क्या होगा, छत से टकरा कर फिर वापस ऊपर की तरफ उछलेगा, इट मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके जब हम लोग नीचे से तो जो हमारा रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट बन गया। वो इसलिए बना क्योंकि हम लोग उसके ऊपर चले गए। वैसे यहाँ पे होता है जब आप इसके नीचे हो तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, बट जब आप इसके ऊपर चले जाओगे ब्रेकआउट इसका देकर और जब वापस से नीचे की तरफ आओगे तो ये आपका एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। सेम एग्जांपल सपोर्ट की तरह होगा, अगर आप इसके ऊपर हो, सेम एग्जांपल सपोर्ट में अगर आप इसके ऊपर हो तो ये आपके लिए सपोर्ट होगा, ठीक है। जब आप इसके नीचे आ जाओगे तो यही सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी इसके ऊपर प्राइस है तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया और जब वापस से प्राइस इसके ऊपर गया तो आप यहाँ पे देखो ये टकरा कर नीचे की तरफ आया, इट मींस यही सपोर्ट हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से आपको समझ में आएगा। अभी कुछ देर पहले ये सेम लाइन हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, जहां से प्राइस नीचे आ रहा था नीचे आ रहा था। लेकिन जब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से छत पे चला गया और जब छत पे चला गया ब्रेकआउट देने के बाद देखो तो ऊपर गया और जब वापस से इसके पास आया तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा सपोर्ट था ब्रेकडाउन होने के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आया और जब नीचे से इसके ऊपर की तरफ गया तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। यहाँ देखो नीचे की तरफ आया, यहाँ भी नीचे की तरफ आया, लेकिन जैसे ये इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इट मीन्स ये सपोर्ट नहीं, अभी इसके लिए ये रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस इसके नीचे है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गया, दूसरा रेजिस्टेंस उसको भी ब्रेक किया ऊपर की तरफ चला गया, तो ये सेम रेजिस्टेंस इसके लिए अब सपोर्ट बन गया और जैसे ही मार्केट इसके पास आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ ऊपर, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली नीचे, और ये जो हमारा दूसरा सपोर्ट था जो आपको नीचे दिख रहा होगा इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 28। S means support, R means resistance.
तो यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था टकराकर, वही चीज यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये सेम रेजिस्टेंस लाइन जब नीचे था तो रेजिस्टेंस, इसके ऊपर प्राइस है तो ये इसके लिए सपोर्ट। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सब लोगों को क्लियर हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सब लोगों को आ गया ना? हाँ सर। 14 लोग देख रहे हैं, एक बार सब लोग कमेंट करो सब लोगों को समझ में आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यस सर। ओके परफेक्ट। तो अभी हम लोगों ने तीन चीज समझा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस का ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ग्राफ खोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ग्राफ होगा, ग्राफ खोलना है, पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट को देखना। पहले देखना जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया उसको मार्क करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया तो इसको मार्क कर लेना है। देन आप लोगों को इसी लाइन के पास, हाँ यहाँ समझते हैं, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया आपको इसी लाइन को मार्क करना है और देखना है कि वापस से जब प्राइस इसके पास आया तो नीचे की तरफ आया है या फिर नहीं आया है, ब्रेकआउट हो गया तो वो उसके ऊपर जाया है, गया है या नहीं गया है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। जितना ज्यादा आप ग्राफ को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों का डाउट उतना ज्यादा क्लियर होगा और आप लोगों को उतना जल्दी समझ में आएगा। तो तीन चीज समझाया, पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, तीन तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूअसली मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाता है, साइडवे ट्रेंड में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है ना सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है, एक रेंज में हो जाता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी जस्ट समझाया, आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझते हैं, उसको कैसे यूज करना है ग्राफ पे वो भी समझते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने। अब सपोर्ट का जो ब्रेकआउट हुआ है वो परफेक्ट है या फिर नहीं है उसको कैसे समझना है, वो चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। या फिर जो नीचे होगा सपोर्ट, सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन परफेक्ट हुआ है या फिर नहीं है उसको चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉल्स ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, बट ये रियल ब्रेकडाउन है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट जो होगा वो दो तरीके का होगा, एक होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया, मतलब एक रेंज के अंदर हो गया, साइडवेज हो गया। कंटिन्यूएशन में क्या होता है, ये नीचे का ब्रेकडाउन देगा, इट मीन्स कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेट कर रहा है, देन ये अगर नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो डाउन ट्रेंड से फिर मार्केट और नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेट किया है, देन ये क्या होता है, ऊपर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, मतलब पहले डाउन ट्रेंड में था अब ट्रेंड में बदल गया, मतलब रिवर्स हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ब्रेकआउट। दो तरीके का ब्रेकआउट होता है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट का क्या रूल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, लिखना है लिख लो, जो करना कर लो, बट ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं होगा तो आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूल्स को समझ नहीं पाओगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? लिया या नहीं? सर मेरे पास तो पीडीएफ है। यस सर आपने सही किया था। सर ले लिया। ओके सर ले लिया। परफेक्ट। अब मैं इस रूल्स को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और ग्राफ पे इसको कैसे यूज करना है वो भी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी रेजिस्टेंस लाइन हो या फिर कोई भी सपोर्ट लाइन हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। अब मैं एक बार कैंडल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंडल का बॉडी किसको बोलते हैं, जैसा कि मैं आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये पूरा बॉडी है जो मोटा सा पार्ट है, बट ये जो पतला सा आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विक, और ये जो पूरा मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ये जो पतला सा है इसको हम लोग बोलते हैं विक। तो विक से ब्रेकआउट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। सबसे पहला लाइन ही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो वो कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग,
इट मींस कि जो कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए. कैंडल्स वीक है या फिर स्ट्रांग है उसको कैसे पता करना है वो मैं अभी आपको आगे एक बार समझा दूंगा, बट इतना समझ लो कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होगा तो नहीं चलेगा. सॉरी. तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइन रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो जिस कैंडल से ब्रेक हुआ है उसके बाद का जो कैंडल बनेगा वो उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है तो उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए. ये चीज मैं अभी आपको ग्राफ पे भी एक बार लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, बट अभी समझ लेना क्या बता रहा हूँ. इसके बाद लिखा हुआ डोंट चूज पैराबोलिक मूव. पैराबोलिक क्या होता है वो मैं अभी आगे बता दूंगा. तीसरा वेट फॉर रीटेस्ट. वेट फॉर रीटेस्ट वो भी समझा देता हूँ, बट ये तीन लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल. चलिए एक बार मैं ग्राफ पे आप लोगों को सिखा देता हूँ कि ये रूल्स कैसे यूज करना है और किस तरीके से काम करता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो. अब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है. रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे आता है. इतना चीज समझ लेना आप लोगों को. अगर इसका यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट होगा देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है. और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा. इसलिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं और सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे हम लोग नीचे का ट्रेड लेते हैं. बट ब्रेकडाउन कैसे पहचानना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो वीक ऊपर की तरफ गया, ये वीक ऊपर की तरफ गया, ये कैंडल्स ऊपर की तरफ गया. अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे ऊपर का. और यहीं पे आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हो, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है. कैसे पहचानेंगे, पहली बात तो ये जो दो कैंडल से हुआ है इसको तो हम लोग ब्रेकआउट कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि पहला कैंडल ही क्या, पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, ये वीक से हो रहा है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये बॉडी से हुआ है, समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे देखो दोनों का वीक ऊपर है लेकिन क्लोजिंग तो हुआ है वो नीचे की तरफ आके हुआ, बट ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल ये बॉडी से ब्रेक हुआ है और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया. लोग यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट करा देता है, देन आप लोग मार्केट को ब्लेम करते हो. बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसको कैसे पहचानेंगे, ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे पहला रूल फुलफिल हो रहा है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, बॉडी से हो रहा है, पहला रूल फुलफिल हो रहा है. दूसरा रूल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, देखने में ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, परफेक्ट, ये भी रूल मेरा फुलफिल हो रहा है. बट तीसरा रूल क्या लिख रहा है, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल. बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हुआ है, यहाँ पे आकर क्लोजिंग दिया है, बट ये जो रेड कैंडल है ना इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया. रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है. ये चीज मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक्स वाले में समझा दूंगा, बट अभी समझ लूं. ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, और रेड कैंडल जो होता है वो हमेशा ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोजिंग देगा. इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग है, सही है, बट इसके बाद का कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो ये जो हमारा लाइन लिखा हुआ है ना ये फेल हो गया. वहां पे क्या लिखा हुआ, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, बट यहाँ पे अबव नहीं बिलो हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा है फॉल्स ब्रेकआउट, हम लोग इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे. वीक से ब्रेकआउट तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर बॉडी से हो रहा है तो इसके बाद का कैंडल को बनने का हम लोग वेट करेंगे. अगर ये ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाकर. बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर तो ये क्लोजिंग दिया है ऊपर जाके, बट इसके बाद का कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, ये फॉल्स ब्रेकआउट है. आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से नीचे की तरफ आ गया. अगर आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लोगे तो इसका लो का स्टॉप लॉस लगाओगे, इसी कैंडल ने आपका एसएल को हिट कर दिया और आपका पोजीशन क्लोज होगा, आपका लॉस हो जाएगा. तो यहाँ पे आप लोगों को पोजीशन नहीं लेना है क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है. अब आप यहाँ पे देखो सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन, सेम वैसे ही एग्जाम्पल होगा. अगर ये हमारा सपोर्ट है तो इसका अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे. बट ये कैंडल से क्या हो रहा है, वीक से हो रहा है, वीक से हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते. पहली बात तो होना चाहिए कि बॉडी से ब्रेकडाउन होना चाहिए. अब यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कैंडल ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, मतलब ये बॉडी से ब्रेक हुआ है, स्ट्रॉन्ग है. पहला रूल, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट नीचे ब्रेकडाउन होता है, तो ये बॉडी से हो रहा है, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, लिखा हुआ ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये ब्रेकडाउन कैंडल स्ट्रॉन्ग है, देखने में ही समझ में आ रहा है.
तीसरा रूल यहाँ पे भी फुलफिल नहीं हो रहा है. क्या लिख रहा है? ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. इस लाइन को तो आप रट जाओ, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तभी हम लोग उसको परफेक्ट ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा. अब यहाँ पे अगर आप नीचे का ट्रेड ले लोगे देन देखो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, आप इसका स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पोजिशन क्लोज. स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको अच्छा खासा लॉस होगा क्योंकि आपने तो इसके ब्रेकडाउन पे नीचे का ट्रेड लिया हुआ है सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे. बट ब्रेकडाउन का आपको रूल्स पता होगा तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं दिया इट मीन्स कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है, वहां पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है. 10 बार में 9 बार ऐसा होगा कि मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, अगर इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ग्रीन में, इट मीन्स ये फॉल्स ब्रेकआउट है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा. 1 बार रेयरली कभी ऐसा होगा कि ये कैंडल ग्रीन क्लोजिंग देगा उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा. तो आप लोगों को ये समझना है कि आपको एक वाले कैटेगरी में आना है, एक सही में या फिर 9 सही में, क्योंकि 9 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा. तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे तो आपका पैसा सेव होगा, बट अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको 1 बार तो प्रॉफिट हो जाएगा बट 9 बार लॉस होगा. आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो या फिर 9 बार पैसा कमाना चाहते हो और 1 बार स्टॉप लॉस हिट कराना चाहते हो, ये आप देख लो. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो कि ये कैसे फॉल्स ब्रेकआउट है. आपको मैं एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखाता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा. अभी तक तो मैं फॉल्स ब्रेकआउट दिखा रहा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ परफेक्ट ब्रेकआउट. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट, मार्केट रिवर्स हो गया, नीचे नहीं गया. यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट, मार्केट नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया. तो ये क्या था? फॉल्स ब्रेकआउट. वीक से ब्रेकआउट हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया बट इसके बाद का कैंडल नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया, तो ये भी हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है. इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, बॉडी से भी हो रहा है बट इसके बाद का कैंडल, ये वाला जो रूल है ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे अबव नहीं हो रहा, बिलो हो रहा, इट मींस कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है. अब लोग बोले कि ये तो ग्रीन में क्लोजिंग दिया, बट ये जो ग्रीन में क्लोजिंग दिया तो ये देखो कि इसके पीछे ये जो कैंडल बना है इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक मूव. यहाँ पे लिखा हुआ डोंट चूज पैराबोलिक मूव. पैराबोलिक मूव का मतलब ये होता है कि एक ही कैंडल बहुत बड़ा बन जाना चाहिए. अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये थोड़ा छोटा कैंडल है, 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 इसके हम ब्रेकआउट मान सकते हैं फर्स्ट रूल के हिसाब से. तीसरा रूल क्या बोलता है, कैंडल्स इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे रहा है बट ये वाला जो हमारा रूल्स नीचे लिखा हुआ डोंट चूज पैराबोलिक मूव, तो आप लोगों को पैराबोलिक मूव को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये पैराबोलिक मूव है. 100 पॉइंट का ये कैंडल्स होगा, 100 पॉइंट नहीं तो कम से कम 90-70-80 से ज्यादा का होगा, देख सकते हो 142 पॉइंट का. अगर 100 पॉइंट से अबव का कोई भी कैंडल है अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो उसको आप लोग कंसिडर मत करो. कैंडल्स ज्यादा से ज्यादा 40-50-60 पॉइंट का हो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट ये 142 पॉइंट का कैंडल है, 100 पॉइंट से ज्यादा का कैंडल है उसको आप लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल्स के कंसिडर उसको आप नहीं कर सकते हो. 142 पॉइंट का कैंडल है, इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दिया फिर भी हम लोग, क्योंकि यही कैंडल हम लोगों को 142 पॉइंट का मूव दे दिया, इसके बाद अगर इसका परफेक्ट ब्रेकआउट होता मार्केट कितना ऊपर जाएगा, देख सकते हो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मार्केट वापस से नीचे आ गया. अगर आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लोगे क्योंकि इसके बाद तो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ग्रीन में, तो मार्केट वापस से तो नीचे ही आया ना. क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये पैराबोलिक मूव है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ डोंट चूज पैराबोलिक मूव. आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा. उसका नीचे का तो डोजी जैसा कॉइल बन गए हैं, डोजी कैंडल है वो, ये कैंडल्स डोजी है. हाँ नहीं, उसके उसके नीचे उसके नीचे भी बन गया ये पहले वाला, ये कैंडल. हाँ ये डोजी नहीं है. डोजी क्या होता है मैं आपको दिखा दूंगा अभी. डोजी क्या होता है, ये जहां पे ओपन होना चाहिए वहीं पे क्लोजिंग होना चाहिए और उसका जो वीक लो वीक और हाई वीक दोनों इक्वल होना चाहिए. बट यहाँ पे देखोगे तो इसका वीक तो कितना बचा है नीचे, बट ऊपर का वीक देखोगे तो छोटा सा है, तो इसको हम लोग डोजी कंसिडर नहीं कर सकते हैं. डोजी किसको कंसिडर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड कलर का कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग डोजी कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि इसका हाई और लो लगभग इक्वल है. मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ देन आपको अच्छे से क्लियर होगा. वेट, यहाँ पे देखो डोजी कैंडल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है. डोजी क्या होता है, जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग होता है और इसका अपर और लो दोनों लगभग इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम लोग डोजी कैंडल्स बोलते हैं. ये सब हमारा आगे का टॉपिक है, आगे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है. अब बस जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको कंटिन्यूअसली सीखते रहो, आपको सब कुछ मैं बताऊंगा. अभी हम लोग ब्रेकआउट, एक बार म्यूट कर लेना आप अपने आप को, थैंक यू. अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, फॉल्स ब्रेकआउट और
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पैराबॉलिक मूव है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे ही नहीं रहा, तो ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है। बट अब यहाँ पे देखो कि मार्केट कैसे सही ब्रेकआउट देता है और नीचे आता है। थोड़ा छोटा करता हूं, ये रहा। अब आप यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बॉडी से ब्रेक हो रहा है। हमारा पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ये रेड कैंडल से ब्रेक हो रहा है मतलब सही है। मिस्टर निखिल क्लास 8 बजे स्टार्ट होनी थी, 8:40 पे आप ज्वाइन कर रहे हो, 40 मिनट क्लास आपका छूट चुका है। अगर आपको ये स्टार्टिंग से देखना है तो मैं थोड़ी देर में इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप पूरा देखना, तभी आपको आगे का चीज क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। हाँ, मैं आपको बता रहा था परफेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अभी ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये परफेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग कैसे कंसिडर करें, कैसे फाइंड किए, अब आप यहाँ पे देखना। ये जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रहा है ये बॉडी से दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, सही है, बॉडी से ब्रेक हो रहा, परफेक्ट। दूसरा रूल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकडाउन कैंडल है स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रहा है, दूसरा रूल हमारा फुलफिल हो रहा, परफेक्ट है। तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, रेजिस्टेंस का होगा तो अबव, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है, ये नीचे आके क्लोजिंग दिया, इट मींस कि इसके बाद का कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो हमारा जो दूसरा रूल है यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा रूल, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन, क्लोज है अब तो ब्रेकआउट कैंडल, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, इट मींस कि अब मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे का ट्रेड लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव, वेट फॉर रीटेस्ट, आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और वापस से इस लाइन को रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। आपको मैं आगे दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, परफेक्ट ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे आया और वापस से मार्केट साइडवेज होकर इसको रीटेस्ट करने गया, और जैसे ही इस लाइन को रीटेस्ट किया, फॉल मार्केट वापस से। तो आप रीटेस्ट का वेट करके भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा ही ब्रेकआउट हो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो, रीटेस्ट मार्केट हमेशा नहीं करता है, रीटेस्ट मार्केट हमेशा नहीं करता है। आप अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं रीटेस्ट पे लूंगा तो आपकी मर्जी है, आप रीटेस्ट पे भी ले सकते हो। बट 10 में से 5 बार या 6 बार ऐसा होगा कि मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, 3 या 4 बार होगा कि वो रीटेस्ट करेगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे मार्केट 2 कैंडल कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया, मार्केट कितना पॉइंट नीचे आया आपको ये समझना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 123 पॉइंट मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया मात्र 2 कैंडल में। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करो। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि 1 से 2 कैंडल में ही 80-90 पॉइंट आपको मिल जाना चाहिए। अब आप 2 घंटा 3 घंटा अपने ट्रेड को होल्ड करके मत रखो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपके प्रीमियम का प्राइस कम हो जाता है। देन आपका प्रीमियम का प्राइस, जैसे अगर आपने 100 रुपया पे खरीदा है, उसी जगह पे मार्केट 1 घंटा ट्रेवल कर जाएगा तो उस 100 रुपए का प्रीमियम अपने आप 80 रुपया हो जाएगा, तो आपको 20 रुपए का लॉस ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए बताता हूँ कि मोमेंटम को ट्रेड करना। अब यहाँ पे 2 ही कैंडल में आपको 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिल गया, तो आप इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, आप मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हो। अगर यहाँ पे आपने कोई भी प्रीमियम 100 रुपए का खरीदा है और अब वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है और मार्केट 100 पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बट मैं अभी से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्लास खत्म होते होते जितने भी 2 वीक चलेगा तो उसमें आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है। अब अगर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया, अब अगर आप यहाँ पे आप नीचे का ट्रेड लोगे ना और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हो गया। साइडवेज मार्केट किसको बोलते हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर गया नीचे आया, ये एक रेंज में आ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ये हमारा सपोर्ट कंसिडर करेंगे, या मार्केट इसके रेंज में है तो मार्केट यहाँ पे हमारा साइडवेज है ना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर आपने प्रीमियम को खरीदा तो आपका प्रीमियम अपने आप कम हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी वैसे भी लॉस हो जाएगा। बट जैसे ही इसका परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, आपने ट्रेड लिया 2 कैंडल में, अब ये यहाँ पे सपोर्ट है, अब मार्केट यहीं से ऊपर क्यों गया, आपको पहले से मार्क करके रखना होगा कि ये जो लाइन है ये हमारा सपोर्ट है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, पास्ट के प्राइस को देखकर। अब पास्ट के प्राइस को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, प्राइस यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, प्राइस यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये जो ब्रेकडाउन दिया या फॉल्स ब्रेकडाउन दिया इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे हुआ है। अब ये आप लोगों को पहले से मार्क करके रखना है कि अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये पॉइंट होने वाला है, और ये पॉइंट हमारा टारगेट होगा। प्राइस जैसे इसके पास आएगा मैं अपने पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। आप लोगों को ये समझ में आया कि कितना पॉइंट का आप लोगों को ट्रेड मिलेगा अगर आप यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो मार्केट यहाँ से लेकर नीचे जो सपोर्ट है आपका कितना पॉइंट है 140 पॉइंट का, मतलब आपका जो ट्रेड होगा वो 140 पॉइंट का आपका टारगेट होगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का हाई होगा। अब आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया है ठीक है इसके ब्रेकडाउन पे। अब यहाँ से देख लेना कि टॉप तक यहाँ तक आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 80 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का, टारगेट 144 पॉइंट का सॉरी ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे आपका ट्रेड में एंट्री बनेगा, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा आप अपने पोजीशन को क्लोज कर दो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना में। और एक चीज मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि अगर आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को कभी नहीं देखना है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, मोबाइल फोन को साइड में रख देना है ठीक है। आप सिंपल लैपटॉप पे चार्ट को देखो और चार्ट जैसे ही आपका टारगेट को अचीव किया मोबाइल खोलो और पोजीशन को क्लोज कर दो बिना सोचे, मतलब कि आपका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हमारा टारगेट है टारगेट के पास आएगा अपने आप हाथ मोबाइल के पास जाना चाहिए पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है और इस तरीके से मैं आपको ट्रेड करवाऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे सिखाता हूँ। आप पूरा ये जो दो वीक का लेक्चर है ना आप इसको अटेंड करो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ साइडवेज हो गया, ये जो नीचे का ब्रेकडाउन दिया है रेड वाला कैंडल, अब ये अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसको हम लोग ब्रेकडाउन कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर आगे क्लोजिंग दिया, इट मींस कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड ही नहीं लेंगे ठीक है। हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे, अब जैसे ही मार्केट वापस से रिटेस्ट करने गया इस लाइन को देन हम लोग यहाँ पे वापस से री एंट्री करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था नीचे आया था और मार्केट वापस से इस लाइन को रिटेस्ट किया, इसको रिजेक्शन मिला है वीक से और यहाँ पे आपका वापस से एक एंट्री बनेगा और आपका यही टारगेट होगा। यहाँ पे आपने जब एंट्री करा तो आपका यही टारगेट होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने एंट्री कर लिया ये आपका टारगेट होगा। आप देखते हैं मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट नीचे की तरफ आया, सेम वही आपका 160-70 पॉइंट का आपका टारगेट होगा क्योंकि आपको यहीं पे एंट्री लेना है क्योंकि ये रीटेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेट फॉर रीटेस्ट। आप रीटेस्ट का जब वेट करना है, रीटेस्ट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट वापस से इसी लाइन को जाकर टेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। जैसे इसको रीटेस्ट करेगा मार्केट वापस से ड्रॉप होगा, ये कितना देर में होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ये वापस से इसी जगह पे जाकर रीटेस्ट कर सकता था, फिर नीचे आया यहाँ पे भी रीटेस्ट कर सकता, बट रीटेस्ट यहाँ पे हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो आप यहाँ पे वापस से एंट्री करोगे 170 पॉइंट का आपका टारगेट है और आपको जो स्टॉप लॉस होगा ठीक इस वीक का हाई होगा। अब आपको जैसे ही इसके नीचे के क्लोजिंग थी आपको यहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा लगभग 45 पॉइंट का और आपको जो टारगेट मिल रहा है यहाँ से अगर मैं नीचे को कंसिडर करूंगा तो 178 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। वन सेकेंड यार डोर ओपन कर दिया, वेट। अजय भाई अजय भाई अजय भाई इसको क्लोज कर दीजिए ना, आवाज आ रही थी प्लीज। थैंक यू सॉरी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री लिया आपका 178 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। अभी मैं जो आपको ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ या सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सिखा रहा हूँ, ट्रेड आप कैंडल्स पे भी लोगे, ट्रेड आप चार्ट पैटर्न पे भी लोगे, ट्रेड आप हार्मोनिक पैटर्न पे भी लोगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। आपको जो चीज अच्छा लग रहा है, जो चीज आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसको ट्रेड को फॉलो करो, आप उस तरीके से ट्रेड लोगे। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका पोजिशन क्लोज। अब जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, अब आप मार्केट यहाँ से देखोगे तो ज्यादा नीचे नहीं गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब इसका भी रीजन होगा, आप इस लाइन को भी पहले से मार्क करके रखोगे। क्यों, आपको देखना क्या है, पास्ट प्राइस। पास्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि इससे पहले यहाँ से प्राइस, आपको ये चीज नजर रखना है कि पहले क्या हो चुका है। अब एक बार जब प्राइस इस जगह पे आया था आप इसको पहले से मार्क करके रखोगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको मार्क नहीं किया, यहाँ पे आपने जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दिया और नीचे का ट्रेड लेना है,
जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था, तो ये आपका टारगेट था क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस है कि हाँ इसके बीच में हम लोगों को 144 पॉइंट नीचे की तरफ अभी जाएगा मार्केट, तो आप ट्रेड ले सकते हो। बट आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेकडाउन कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो ब्रेकआउट का रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। बट इसके नीचे देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि जब इससे पहले प्राइस इस जगह पे आया था तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा चुका था, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वाले कॉन्सेप्ट में एक बार समझाया था। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस। तो ये हमारा क्या है, पास्ट प्राइस। पास्ट प्राइस मींस कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब प्राइस वापस से इस लाइन को टच करेगा देन फिर से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, वही चीज यहाँ पे हुआ। अब आपका एंट्री कहाँ पे बनता है, ये चीज समझने वाली है और आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो आपका एंट्री बनेगा यहाँ पे और आपका टारगेट होगा ये। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे, इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे आपका टारगेट जो होगा वो बस 55 पॉइंट का होगा। बट आपका स्टॉप लॉस में बताया जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई। अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 160 पॉइंट का और आपका टारगेट बन रहा है 55 पॉइंट का, तो क्या यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है, यहाँ पे कोई ट्रेड ले सका बताओ कोई भी लोग? यहाँ पे ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस है आपका 150-60 पॉइंट का और टारगेट है मात्र 55 पॉइंट का, तो क्या यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो? Yes, नहीं बनता, तो ऊपर पूरा नीचे आ रहा है। नहीं बनता, बिल्कुल सही आंसर। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हमारा ट्रेड तो नहीं बनता है, पर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई भी ग्रीन कैंडल बनी नहीं, तो कोई एग्जिट तो नहीं करेगा, रुका रहेगा शायद। हाँ सही है, मतलब कि अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, सपोर्ट है हमारा ये लाइन, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो इसको हम लोग सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे आता है, ये हम लोगों को पता है क्योंकि ये हमारा पहले सपोर्ट लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया। और यहाँ पे ट्रेड में एंट्री इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास नीचे टारगेट है, यहाँ तक प्राइस आएगा 107 कितना पॉइंट था 140 पॉइंट का आपके पास टारगेट था और स्टॉप लॉस आपके पास 55 पॉइंट का था, 55 पॉइंट या 80 पॉइंट का टारगेट है, स्टॉप लॉस है बट आपके पास टारगेट है और आपको पता है कि ये जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारे पास यहाँ तक मार्केट आएगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। बट इस जगह पे अब रिटेस्ट पे भी आपने एंट्री किया, आपने दो ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन हुआ रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है, सही है, इसके बाद का कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे। ललित जी क्लास 8 बजे स्टार्ट हुआ है, अभी बज रहा है 8:52, तो आपका 52 मिनट का क्लास छूट चुका है। आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप देख लेना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, और नेक्स्ट डे टाइम पे आना 8 बजे, तभी आपको आगे क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है? समझ में आया आपको मिस्टर ललित, यस और नो? खैर तो मैं ये बता रहा था कि अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, इसके कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा और टारगेट ये है बट स्टॉप लॉस इतना ऊपर है, तो यहाँ पे आपका एंट्री नहीं बनता है क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है टारगेट है वो बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, वही चीज यहाँ पे हुआ है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये ट्रेड आपने इससे पहले दो ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका है, पहला ट्रेड आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया था, दूसरा ट्रेड आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। अब आपको ट्रेड मिलेगा तो आप ट्रेड लोगे, नहीं ट्रेड मिलेगा नहीं लोगे। अब आपको दूसरा ट्रेड कैसे मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सपोर्ट लाइन था जब मार्केट इसके ऊपर था तब, अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन नीचे क्लोजिंग, मार्केट दूसरा सपोर्ट के पास आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि ये कैंडल्स कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 100 पॉइंट से ज्यादा है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। ये 77 पॉइंट का है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो पहला रूल क्या है, कहाँ गया, ये रहा, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ये बॉडी से हो रहा है विक से नहीं हो रहा है, जैसे कि आप ये देखिए इसको हम लोग विक से बोलेंगे बट ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये बॉडी से हो रहा है, ठीक है? तो पहला रूल फुलफिल हो रहा है। दूसरा रूल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, देखने से ही समझ में आ रहा है, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोजिंग दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद का कैंडल ग्रीन में ही क्लोजिंग दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट है, आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा
और आपका टारगेट ये लाइन होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस इस जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे आपने जैसे ही एंट्री किया तो यहाँ से आपका जो ऊपर का टारगेट है वो 160 पॉइंट का टारगेट है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आपने एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस 77 पॉइंट का, ठीक है। 77 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका ये लाइन होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यूसली तीन कैंडल में मार्केट यहाँ तक गया, टारगेट से थोड़ा नीचे रहा, दो कैंडल नीचे आया, देन वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट साइडवेज हो गया। अब ये हमारा क्या है, अभी जब मार्केट इसके नीचे है तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट परफेक्ट हुआ है, लेकिन इसके बाद देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आया फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था और उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये लाइन है, इसके बीच में जो आता है ये हमारा आएगा माइनर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर माइनर सपोर्ट बोल सकते हैं। हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये है, ये जो हमारा सपोर्ट है ये इसके ऊपर सपोर्ट है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये उतना रेजिस्टेंस नहीं है, आप इसके ब्रेकआउट पे जल्दी ट्रेड पे भरोसा नहीं कर सकते हो। अगर आप इसका ब्रेकआउट देख रहे हो तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हो। आपका एक ही ट्रेड बना है इसके ब्रेकआउट पे, ये टारगेट है, टारगेट आपका अचीव, कितना पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी दिखा दिया आपको मैं अभी, यहाँ पे आपका लगभग 170 पॉइंट का, 170 पॉइंट आप कैच नहीं कर पाओगे, 100 पॉइंट करोगे, 100 पॉइंट का ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो इन द मनी का प्रीमियम खरीदोगे 100 रुपीज में, अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपीज बढ़ेगा, क्योंकि इन द मनी जो होता है वो मार्केट का जो प्राइस होता है उसके हिसाब से बढ़ता है। इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी, ये चीज क्या होता है मैं आगे आप लोगों को समझा दूंगा, बट अभी समझना कि अगर आप इन द मनी का खरीद रहे हो अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है देन वापस से मार्केट क्या होगा, आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपया बढ़ेगा। ये प्रीमियम क्या होता है सब कुछ मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ रेजिस्टेंस का, अब ये वही लाइन हमारा सपोर्ट बनी है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर वापस नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ वापस से मार्केट ऊपर गया। अब आपका यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, आप यहाँ पे ट्रेड मत लो, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा कब मार्केट नीचे आ जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ बट मार्केट नीचे आ गया, तो इस सब रेजिस्टेंस पे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। मेरा मेन रेजिस्टेंस ये है, अगर इसको ब्रेक करता है देन मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ग्रीन वाले कैंडल से, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देन मैं यहाँ पे अपना ऊपर का आप ट्रेड लूंगा। यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से देखो मार्केट कितना पॉइंट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से मैं मेजर कर लेता हूँ 170 पॉइंट, यहाँ पे फिर आपका 170 पॉइंट का टारगेट और मार्केट यहाँ से यहाँ पे आपने एंट्री लिया, देन यहाँ से आपका जो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है वो 60 पॉइंट का। अब ये रेजिस्टेंस आप पहले से मार्क करके रखोगे, क्यों, यहाँ पे आपको बस पास्ट प्राइस देखना है, पास्ट प्राइस देखना है यहाँ पे आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आप लोगों को समझा देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और जब इसका ब्रेकआउट हुआ देन मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट नीचे तरफ आ गया। इट मींस कि ये हमारा अभी रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा जब प्राइस इसके नीचे होगा, तो सेम चीज यहाँ पे हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को तब अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसका परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ ये कैंडल से ब्रेकआउट, इसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका ये लाइन टारगेट होगा, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट यहाँ तक जाएगा। ये पहले से आपको मार्क करके रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्क करके रखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या टारगेट है, हमारा क्या स्टॉप लॉस होने वाला है। स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये, आपका यहाँ पे भी 170 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब नीचे का ट्रेड इतना ट्रेड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, दो ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, आज का दिन काफी है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। इसी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है। बस ब्रेकआउट में आप लोगों को समझाया, ब्रेकआउट का रूल क्या होता है, ये कैंडल्स बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, इसके बाद का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर इसके बाद का कैंडल रेड में आकर क्लोजिंग दे देता है तो इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे और वहां पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। जो हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट है यही है, इसके बाद कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट ऊपर गया, देन वापस से मार्केट इस लाइन को रिटेस्ट करने है और रिटेस्ट करके वापस से रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वेट फॉर रिटेस्ट। आप यहाँ पे ट्रेड लो ब्रेकआउट पे, मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव, वापस से नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ गया। उसी तरीके से काम करता है मार्केट। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो
मार्केट क्या हुआ, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था अब ये हमारा सपोर्ट बन गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, बट यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स क्या बोलता है कि ये कैंडल अगर ब्रेकडाउन हो तो इसके बाद तक कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये ग्रीन कैंडल वापस से ऊपर, ये रेड कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो इसके बाद तक कैंडल पे ग्रीन में क्लोजिंग दिया, तो हम लोग इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया। सिंबल बन रहा है ना? क्या बोल रहे हो? वो ये दो, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल बनी है, वो बेयरिश सिग्नल का दे रहा है, बेयरिश इंगल्फिंग ऐसा कुछ। बेयरिश इंगल्फिंग इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेयरिश इंगल्फिंग तभी होगा जब इसके बाद का कैंडल थोड़ा गैप अप होना चाहिए और गैप अप होने के बाद नीचे आ गया, इसको पूरा इंगल्फ करना चाहिए। मैं जब आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा देन मैं आपको सारे कैंडल्स को क्लियर करूंगा, जितने भी कैंडल्स होते हैं ना एक एक कैंडल्स को डिस्कस करेंगे लाइव ग्राफ पे, और उसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, हर एक एग्जांपल, तब आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। ठीक है? दिखने में तो लग रहा है कि बेयरिश साइन ऐसा दिख रहा है वो, बट आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं बेयरिश इंगल्फिंग में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, बेयरिश इंगल्फिंग जो होता है वो बेयरिश कैंडल होता है, और बेयरिश कैंडल हमेशा मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए। टॉप का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड में बनना चाहिए, बट ये जो बेयरिश इंगल्फिंग बन रहा है ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रहा है और सपोर्ट पे बन रहा है, तो यहाँ पे जो बेयरिश इंगल्फिंग होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अभी तो मार्केट नीचे आ गया, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि 10 बार में एक बार नीचे आएगा लेकिन 9 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लाइन है भाई, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट अभी मार्केट नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई था, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हमारा ट्रेड छूट गया। अब आपको ये समझना है कि आपको एक गलत ट्रेड में ट्रेड लेना या फिर 9 सही ट्रेड में ट्रेड लेना है। 9 बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, तो आपको 9 बार लेना है या एक बार लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको डाउट है बेयरिश इंगल्फिंग में तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि बेयरिश इंगल्फिंग कैसे होता है। यहाँ पे देखो बेयरिश इंगल्फिंग लिखा है, बेयरिश इंगल्फिंग में मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, और अप ट्रेंड में क्या होता है कि इसके बाद का कैंडल गैप अप होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसके बाद गैप अप हुआ और नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, देन हम लोग उसको बेयरिश इंगल्फिंग कंसिडर करेंगे और देन मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये अप ट्रेंड में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में। हाँ बिल्कुल, मारुबुजो भी कैंडल होता है, बट मारुबुजो कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड लोगे ना बॉस, आप 10 ट्रेड करो, 8 ट्रेड में आपको लॉस होगा, 2 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ट्रेड बस 4 कैंडल्स पे लेना है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और आपको होना चाहिए शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। ये 4 कैंडल्स पे आपको ट्रेड लेना है, और बेयरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड लेना है, लेकिन उसका भी एक कंडीशन होता है, उस कंडीशंस के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर वो कंडीशंस आपके साथ में है देन ट्रेड लो, अदरवाइज ट्रेड मत लो। यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है हमारा ट्रेड छूट गया ये नहीं सोचना है, लेकिन आपका ट्रेड छूटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर कभी और ट्रेड लोगे ना ऐसे पोजीशंस पे, अगर मार्केट ऐसा कंडीशन में होगा देन यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है, अब आपका ट्रेड यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि ये जो कैंडल बना है ना इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार अगर हमारा रेजिस्टेंस पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये हमारा जो सपोर्ट था, अब ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पे अगर शूटिंग स्टार बन रहा है, शूटिंग स्टार हमारा होता है बेयरिश कैंडल, क्योंकि मैं आपको एक बार शूटिंग स्टार का भी फोटो दिखा देता हूँ। शूटिंग स्टार क्या होता है? अप ट्रेंड में बनता है टॉप पे, देन मार्केट नीचे आता है, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी अप ट्रेंड में और टॉप पे शूटिंग स्टार बन रहा है, देन मार्केट नीचे आएगा, तो आपका ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। बट अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती ट्रेड लोगे तो आपको एक बार प्रॉफिट होगा, 9 बार लॉस होगा, तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है, 9 बार प्रॉफिट लेना है या एक बार प्रॉफिट लेना है, वही चीज है। ये चीज मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, ये सब थोड़ा आगे की लेवल है, बट आप टेंशन मत लो, एक एक चीज हम लोग बोले ना आपको कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझू, कैंडल्स इसके बाद हम लोग समझेंगे तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा, एक एक कैंडल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं आपको यही बताया सपोर्ट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये कैंडल से सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, ये वीक से हुआ कंसिडर नहीं करेंगे, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मार्केट यहाँ से कब ऊपर चला जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट 3 कैंडल से नीचे आया, लेकिन ये जो एक कैंडल गया इतना स्पीड में ऊपर गया कि आपके पोजीशन को आप रोक ही नहीं पाओगे अपने पोजीशन को, और ये एक कैंडल कंटिन्यूअसली ऊपर जाके आपके स्टॉप लॉस को हिट करा दिया। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा तो आपका टारगेट तो ये होगा, कॉमन सी बात है,
आपने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, बट ब्रेकआउट का जो रूल है वो फुलफिल नहीं हो रहा, फिर भी आपने जबरदस्ती ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और ऊपर चला गया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया और आपको लॉस होगा। तो क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का रूल्स यहाँ पे फुलफिल हो ही नहीं रहा है। रूल्स को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रूल्स को नोट कर लेना और सामने में जहां पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे चपका लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको मैं एक्सपीरियंस से लिखा हूँ। आप देखो, आप जितना बार भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का देखोगे ना, वैसा ही होगा। जैसे ही अगर ये रेड कैंडल क्लोज ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद कैंडल ग्रीन दे दिया, इट मींस कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मार्केट नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लूंगा। अब आप यहाँ पे उसी का एक एग्जाम्पल देखो, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये रेड कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद कर कैंडल्स नीचे क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो इस टारगेट के लिए, या फिर वापस जब मार्केट जब इसको रिटेस्ट करने जाएगा तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो। अब देखो, ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल्स इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दिया, टारगेट अचीव, आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, या फिर जब रिटेस्ट करने गया तो आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, आपका टारगेट अचीव। कितने पॉइंट का टारगेट है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 180 पॉइंट का आपका टारगेट होगा और स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ये आपका टारगेट होगा। मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ है, आपका टारगेट अचीव, और जैसे ही यहाँ पे आएगा आपका पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो हुआ ये फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे नीचे है वो हमर कैंडल बनी है वो जो इस साइड पे, ये कैंडल के नीचे, हाँ हाँ ये हैमर कैंडल नहीं है। हैमर कैंडल कैसा होता है वो भी मैं आपको आगे कल के लेक्चर में दिखाऊंगा। हैमर कैंडल्स क्या होता है, उसके उसके थोड़ा साइड में है वो हमर रहेगा शायद ये यहाँ, बट आप इस हैमर पे ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते हो ना, क्यों? क्योंकि हैमर के बाद का कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है बॉस। ये चीज मैं आपको अभी बार बार बता रहा हूँ ना कि इसको मैं कल डिस्कस करूंगा डिटेल में, आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि कल का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न ही है, तो कल मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस आप ये समझो कि ब्रेकआउट का क्या रूल्स है। तो आपको ब्रेकआउट का रूल समझ में आया, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा हो वेट फॉर रीटेस्ट, रीटेस्ट का वेट करके जैसे ही रीटेस्ट करने गया देन आप वहां पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए, मार्केट नीचे की तरफ आए, आपका टारगेट अचीव, जैसे ही इस लाइन को टच करेगा आपका पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन मिल गया, वापस से मार्केट ऊपर गया और वापस से रिवर्स हो गया, जहां पे आपने खरीदा था वहीं पे चला गया, तो कोई फायदा नहीं है। टारगेट अचीव लालच नहीं करना है, जो हमारा टारगेट है टारगेट को अचीव करेगा, पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट है, आपके सामने है सब कुछ, और ये जो ब्रेकडाउन है ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है। अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ बट कैंडल्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो आपका ट्रेड में एंट्री यहाँ बनता है। ये पैराबोलिक कैंडल है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग मैप मेजर कर लेंगे। 128 पॉइंट का है ये कैंडल्स, खुद 128 पॉइंट मूव को कवर कर दिया, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो आप यहाँ पे जो ट्रेड में एंट्री लोगे तो आपका टारगेट तो यही होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि आपका टारगेट कितने पॉइंट का है, यहाँ से ये हमारा टारगेट 91 पॉइंट का है, बट आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल का लो का लगेगा, आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो 160 पॉइंट का हो रहा है। तो आप कभी भी 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 100 कितना पॉइंट का टारगेट था 93 पॉइंट का टारगेट और 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ऐसा कोई ट्रेड नहीं ले सकता है, क्योंकि टारगेट हमेशा 1:2 में होना चाहिए। अगर आप 100 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपका टारगेट 100 पॉइंट का होना चाहिए, तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। आपने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो या फिर रिटेस्ट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा टारगेट है वो कितना है, 180 पॉइंट का आपका टारगेट है, और स्टॉप लॉस क्या है, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे रिटेस्ट पे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा मात्र 30 पॉइंट का। आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 180 पॉइंट का, और अगर आपने रिटेस्ट पे एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, टारगेट 180 पॉइंट का। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है और इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल बन पाओगे। अब आप ये सोचोगे कि मैं एक दिन में सारा प्रॉफिट कर लूं, तो ऐसा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आपको इसको कंसिस्टेंसी के साथ सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल इसमें हो पाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रैक्टिस करते रहो, और जितना चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज बता रहा हूँ उसका ग्राफ पे जाकर प्रैक्टिस करो और उसको देखो समझो। अगर आपको समझ में आ रहा है कोई डाउट है ग्रुप में पूछ लो, बाकी अभी मैं आपसे आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी डाउट है क्लियर कर लो, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेशन जो भी मैं लेक्चर करा रहा हूँ लाइव, इसका मेन मोटिव यही कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए।
तो आज का लेक्चर जो चीज मेरे को बताना था सब कुछ मैं आप लोगों को सिखा दिया। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या सिखाया हूँ। टेक्निकल एनालिसिस बताया, टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है वो समझाया हूँ, ट्रेंड क्या होता है वो समझाया हूँ, कितने तरीके का ट्रेंड होता है विद एग्जाम्पल वो समझाया हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बताया हूँ, उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है, कितने तरीके का ब्रेकआउट होता है, इसके क्या रूल्स है वो समझाया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको लाइव ग्राफ पे दिखाया, कैसे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना, सब कुछ डिटेल में समझा दिया हूँ। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक चार्ट, तो हम लोग कल कैंडल स्टिक सर डिस्कस करेंगे। का वो अगले मंडे को क्लास ले सकते हो क्योंकि मुझे मंडे में को टाइम मिलता है इसलिए। बॉस अब मैं आपके वजह से तो सब लोग यहाँ पे हैं तो सब लोगों को तो मुझको क्लास लेना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा मैं यूट्यूब पे अपलोड तो करता ही हूँ, आप वहां देख लेना ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो उतना सीखने से मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ना, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ ना, ये जो सेशन हो रहा है ये जो बैच है ये सेकंड बैच है ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके बाद तीसरा बैच नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं तीसरा बैच फिर से स्टार्ट करूंगा, आप उसको ज्वाइन करना, देन आपको फिर से मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा ठीक है। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि आपको मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा, उसका दिक्कत नहीं लेना है, बट अगर अभी नहीं होगा लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आना तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर तो है आप उसको भी देख सकते हो ठीक है। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मंडे एंड थर्सडे को भी बनाया तो भी चलता है, थर्सडे तो उस दिन तो मुझे छुट्टी रहती है और मंडे को मॉर्निंग को काम रहता है तो दिन भर घर पे रहेगा और कल नाइट को रहेगा तो 8 बजे ड्यूटी जो होता है इसलिए अटेंड नहीं कर पाता। ठीक है, आपको मैं एक और बेनिफिट देता हूँ, आप क्या करना जब आपको टाइम मिलेगा तो आप यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना और उसका जो भी डाउट होगा आप उसको नोट कर लेना, देन आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर मेरा ये डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा ठीक है, या फिर आप जैसे बोलोगे आप जैसे कंफर्टेबल होगे मैं उस हिसाब से आपको क्लियर कर दूंगा ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ बाकी आप जितने भी लोग हैं आप लोगों का जो जो डाउट है आप एक बार एक एक करके पूछ लो, किन्हीं लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किन्हीं को भी? नो सर। शुभम, किरण, देशमुख, उमेश, ललित, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? अगर आप अनम्यूट नहीं कर समझ सकते आज का सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना वो थोड़ा रह गया मेरा पार्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है? हाँ वो कैसे निकालते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का 2 तरीका होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल से ऐसा ही ड्रॉ किया। आपको पास्ट के प्राइस को देखना है कि पास्ट के प्राइस में मार्केट कहाँ से नीचे की तरफ आया है, तो आप पास्ट के प्राइस को जब यहाँ पे देखोगे, एक काम करता हूँ मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ठीक है, काम करता हूँ थोड़ा ऊपर का दिखाता हूँ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, तो अब यहाँ से प्राइस क्यों ड्रॉप हुआ, इट मींस कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर लोग बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक लाइन को मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे ये लाइन हमारा मार्क हो गया, अब हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब प्राइस वापस से इस लाइन के पास आएगा तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा ठीक है, तो ये हमारा होगा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब प्राइस यहाँ पे आया था तो मार्केट नीचे की तरफ आया था, जब वापस से प्राइस इसके पास आएगा तो फिर से नीचे आएगा, फिर देखो यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे गया नीचे, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है और जहां से मार्केट सपोर्ट लेके, एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा चुका है तो फिर यही सेम लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि जब प्राइस वापस से इस लाइन के पास आएगा तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और वापस से प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ, ये एज अ रेजिस्टेंस है वर्क कर रहा है, ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, नीचे से नीचे सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, अगर इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो यही लाइन हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और जब इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आ जाएगा फिर वापस से रिटेस्ट करेगा तो यही लाइन हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, समझ में आया आपको? ओके, बाकी लोगों को और कोई डाउट? शुभम, किरण, उमेश, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है?
एक बार चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं इस क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो। नो सर, कोई डाउट नहीं है, सब आज का पूरा लेसन समझ में आ गया सर। और एक डाउट है सर। हाँ जी बोलो। बताओ बताओ सर, आजकल मार्केट तो स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, मतलब वो पैटर्न भी नहीं आजकल काम कर रहे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। सब पैटर्न काम करता है बॉस, आप उसको सही तरीके से यूज करोगे देन आपको समझ में आएगा। अगर आप गलत गलत नॉलेज रखोगे देन आप गलत ट्रेड लोगे, लेकिन अगर आप सही नॉलेज, सही तरीके का पैटर्न समझोगे तो आप सही तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अभी आपको पैटर्न के बारे में भी आपको आगे डिस्कस करेंगे, जितने भी पैटर्न्स होते हैं एक एक पैटर्न में आपको बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप उसको यूज करना, देन आप मुझे बताना कि आप सही कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है? यस सर। ओके ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और कोई डाउट नहीं आप लोगों को? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लास। थैंक यू। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट।